हाँ तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल और इंडिया ग्लोबल जीरो पॉइंट टू के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं BSF ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के बारे में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बच्चा BSF ट्रेड्समैन भर्ती जो आपका देखने जा रहा है, जो देखने वाला है, वो कंटेंट ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन उन सबके आपके मन में डाउट होंगे, कौन कौन सी क्वेश्चन है सारी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक बात बताऊं आपको, BSF ट्रेड्समैन स्पेशल बैच लिखित परीक्षा का फिजिकल का आपको लिखित फिजिकल का बैच आपके लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर फिजिकल का बैच भी चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित परीक्षा का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका, उसको ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर ओके कर लो, ताकि आपको जब भी क्लास मिले, चारों की चारों क्लासें आपकी टाइम टू टाइम चल रही है, मैथ की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, आपकी हिंदी की क्लास चल रही है और जीके की क्लास चल रही है, चारों क्लासे आपकी टाइम टू टाइम चल रही है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इन क्लासों को आप जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है डिफेंस को समर्पित चैनल जो आपको BSF ट्रेड्समैन रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करता ही करता है, साथ में अदरवाइज जो भी आपकी डिफेंस की भर्ती आती है, ट्रेड्समैन की होती है, जीडी की भर्ती हो, सबके प्रति समर्पित है, तो वो डाउट भी आपके क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिस बच्चे को फ्री पीडीएफ वगैरह चाहिए वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी है Ajay0303, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इस पर आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर पेज वगैरह जो कोई चलाता है तो ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2, आप फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हो, ट्विटर पर भी सर्च कर सकते हो, जहाँ कहीं भी आप सर्च करोगे वहां हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको, चाहे आप गूगल क्रोम ब्राउजर में भी आप सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखो क्या क्वेश्चन है। कौन सी ट्रेड का कट ऑफ ज्यादा जाता है, सबसे बेस्ट जाहिर सी बात है, कौन सी ट्रेड में अप्लाई नहीं करना चाहिए हमें, कौन सी ट्रेड में अप्लाई नहीं करना चाहिए, लगभग सभी राज्यों की कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है ना। ट्रेड का कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों जाता है, किस ट्रेड का कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों जाता है, ठीक है ना, किस ट्रेड का कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों जाता है। सबसे ट्रेड टेस्ट किसका, सबसे सरल ट्रेड टेस्ट किसका होता है, सभी राज्यों की कट ऑफ कितना जाता है, ये बात हम बात करेंगे, लगभग सभी राज्यों की कट ऑफ कितना जाता है और सभी राज्यों की कट ऑफ कितना जाता है, कितना जाता है, ये क्वेश्चन दो बार आ गया। चलो तो कोई नहीं, और भी सारे डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, ये सब जानने के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले, अभी जिसने अप्लाई कर दिया वो भी ध्यान से देख ले, और जो अप्लाई करने वाला वो भी ध्यान से देख ले, और जो आगे आने वाली भर्ती है देखना चाहता है वो भी ध्यान से देख ले। सबसे पहले कौन सी ट्रेड का कट ऑफ सबसे ज्यादा देता है, ये बात आती है, कौन सी ट्रेड में अप्लाई नहीं करना चाहिए, दो नंबर क्वेश्चन को हम सबसे पहले लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, तीन ट्रेड ऐसी है जिसमें आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए यदि आपको काम नहीं आता हो तो। फर्स्ट ट्रेड आपका बार्बर, ठीक है, दूसरा ट्रेड आपका टेलर, और तीसरा ट्रेड आपका मोची। ये तीन ट्रेड ऐसी है यदि इनका आपको काम नहीं आता तो आपको इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसमें आपको एक धोबी भी आने लगा अभी, क्योंकि धोबी का भी ट्रेड टेस्ट थोड़ा टफ होता है। ये चार ट्रेड ऐसी है जिसमें यदि आपको काम नहीं आता तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप, कैसे बिलोंग करते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड सारे समान है, यदि इन ट्रेड का आपको काम आता है प्रॉपरली रूप से तो आप इनसे अप्लाई करोगे तो फायदे में जाओगे, यदि इनका काम नहीं आता फिर यदि आपने अप्लाई कर दिया तो आप नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। ये बात तो होगी आपकी ट्रेड ट्रेड से रिलेटेड, कौन सी ट्रेड है, ठीक है, ये बात आ गई, ठीक है। लगभग सभी राज्यों का कट ऑफ कितना जाता है और कट ऑफ ज्यादा आपकी कौन सी ट्रेड की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, ये हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले बता दूं आपको, लगभग सभी राज्यों का कट ऑफ आपको कितना जाता है ये बता दूं मैं आपको, लगभग बता रहा हूँ, एवरेज ना आपको बता रहा हूँ किस राज्य का कट ऑफ कितना जाता है, सारी डिटेल में आपको बात करेंगे। देखो सबसे पहले बता दूं आपको, कुक थोड़ा हाई जाता है, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी क्या बोला है यहाँ पर, लगभग सभी राज्यों का कट ऑफ भैया बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये कट ऑफ ज्यादा कौन से ट्रेड का ये भी मैं बता रहा हूँ, सफाई कर्मचारी, वोटर कैरियर, तीन ट्रेड ऐसी है
जिनका आप यदि 75 से 75+ से यदि आपके कम है तो आप सिलेक्शन की रेस में नहीं हो भाई, सीधा बोल रहा हूँ, सटीक बोल रहा हूँ। 75 से यदि कम है तो आप सिलेक्शन की रेस में बिल्कुल नहीं हो, आप बाहर हो, पहली बात हुई। अब इनका हाई कटॉप क्यों जाता है, सबसे ज्यादा हाई कटॉप कौन से रिटायर जाता है, आपका सफाई कर्मचारी का सबसे ज्यादा हाई कटॉप जाता है, वाटर कैरियर का भी जाता है, पर आपका एक दो नंबर कम रह जाता है, पर सबसे ज्यादा आपका कटॉप जाता है हाई आपका सफाई कर्मचारी का, ठीक है। तो ये सभी राज्यों का लगभग कट ऑफ मैंने बता दी, 75+ आपके होना चाहिए। तो किसी भी कैटेगरी से आपको कोई, यानी जो बंदा कैटेगरी से पास होने की सोच रहा है ना, वो ध्यान रखो, यदि आप जनरल से फाइट करने की सोच रहे हो तब जाके आप कैटेगरी से पास होगी, और जो पहले कैटेगरी से सोच रहे हो वो तो बाहर ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, लगभग ट्रेड का कट ऑफ कौन सी आपका इतनी क्यों जाता है, कौन सी ट्रेड का कट ऑफ इतनी क्यों जाता है, सफाई कर्मचारी का, ठीक है। सबसे सरल ट्रेड टेस्ट किसका होता है, ये बात करेंगे, उस कौन सी ट्रेड का कट ऑफ ज्यादा जाता है। देखो सबसे सरल ट्रेड टेस्ट आपका सफाई कर्मचारी होता है, सबसे सरल ट्रेड टेस्ट आपका सफाई कर्मचारी होता है, सफाई कर्मचारी का आपका ट्रेड का आपका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। अब बता दूं सबसे सरल सफाई कर्मचारी क्यों होता है, ध्यान रखो इस सबसे सरल इसलिए होता है भैया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सफाई कर्मचारी में लगभग लगभग बता रहा हूँ आपको, यदि 200 का बेच है ना, तो आपका 190+ यदि आपके रेस में रेस कवर कर रहे ना, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर देखो यदि आप यहाँ पर 150+ यहाँ पर रेस मान लो निकाल रहे हैं, तो जितने बच्चे रेस निकाल रहे हैं वो 150 के 50 पूरे के पूरे सफाई कर्मचारी ट्रेड में पास होंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आपका सफाई कर्मचारी ट्रेड में पास नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर सफाई कर्मचारी ट्रेड में पास होने वाले हैं, ये भी आप मेन बता रहा हूँ मैं आपको, वो नहीं बताता, ठीक है ना। और जिस बच्चे को यदि किसी का काम नहीं आता तो वो आप 3 ट्रेड से फॉर्म लगा सकते हैं, यदि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है। ट्रेड टेस्ट सबसे सरल आपका सफाई कर्मचारी, कुक और वाटर कैरियर का ही होता है, इससे सरल ट्रेड टेस्ट आपका किसी का नहीं होता। यदि पढ़ने में इंटेलिजेंट है, हिम्मत है उसमें कि मैं 25 से 25 रीजनिंग के, 25 से 25 मैथ के, और 25 से 25 आपकी हिंदी के ठोक सकता हूँ, बिल्कुल आप 100% इन ट्रेड में से आप फॉर्म लगा दो, आपकी कोई नौकरी नहीं रोक सकता कोई। अब ये कि कई बच्चे क्या होते हैं, यार सर मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं तो 70+ आ जाए और मैं तो इसमें फॉर्म लगाऊ, बता रहा हूँ 70+ में सिलेक्शन नहीं होता, आज का जमाना वो नहीं है। अब बात करते हैं इन ट्रेडों में फॉर्म कौन लगाएगा तो क्या फायदा होगा, तुम्हें ध्यान से देखना, सीधे स्पष्ट बता रहा हूँ, इन ट्रेड में फॉर्म वही बच्चा लगे जिसको एक तो प्रॉपरली रूप से काम आता हो, दूसरी बात फायदा ये होगा कि इनका ट्रेड टेस्ट थोड़ा टफ होता है, तो ट्रेड टेस्ट टफ होता है तो बता दूं आपको ये बात ध्यान रखना, जिसका ट्रेड टेस्ट टफ होगा ना उनका पेपर यानी लिखित परीक्षा में मेरिट बहुत कम जाएगी, तो इसमें आपकी लिखित एग्जाम में लिखित परीक्षा के मेरिट कम जाते हैं, इसलिए इन ट्रेडों में आपको फायदा रहने वाला है, ठीक है। अदरवाइज आप ये सब ट्रेड्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में बीएसएफ ट्रेड्स में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनसे ज्वाइन हो जाओ। साथ में आपको बता दूं हर आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलता रहता है, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।